हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में, जिसमें इस समय हम लोग क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का ये चैप्टर है और इसमें कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक चार्ट की स्टडी की थी, जिसमें द नर्वस सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी हम लोग उसी चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है। तो आपका आंसर होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज ब्रेन? सभी को पता है बच्चों, हमारा पूरा शरीर ब्रेन के ऊपर कंट्रोल होता है। पूरा शरीर, आपका मूवमेंट, आपकी आंखों का मूवमेंट, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आप कैसे सांस ले, सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। सो द डेफिनेशन, या डेफिनेशन नहीं, उसके बारे में जानकारी है कि ब्रेन इज हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक, अगर ब्रेन की बात किया जाए तो ब्रेन आपका इस मजबूत स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक प्रकार का बोनी बॉक्स है जिसको स्कल कहते हैं, या फिर बच्चों इसी का नाम होता है क्रेनियल, इसका नाम होता है क्रेनियल कैविटी, या फिर क्रेनियम कहा जाता है इसको। आई बात समझ में? फिर इस ब्रेन के ऊपर की जो लेयर्स होती है उसको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस अंदर के पूरे ब्रेन को कवर करने का काम करता है। उस मेनिंजेस की तीन लेयर होती है, इनर टू आउटर, पायामेटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर। ठीक, अगर उसी मेनिंजेस में किसी भी कारणवश पेनफुल स्वेलिंग हो गई, बैक्टीरिया के कारण होता है कभी कभी, इन्फेक्शन कॉज के कारण, तो उस बीमारी को आप लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। क्लियर? अब इसी मेनिंजेस के बीच में स्पेस पाए जाते हैं जिसके अंदर फ्लूड भरा होता है, और उस फ्लूड को हम लोग कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। ये फ्लूड मैकेनिकल इंजरी से हमारे ब्रेन को बचाता है। ठीक है, एक्सटर्नल शॉक से हमारे ब्रेन को बचाता है। कहीं सर लड़ जाए, है ना, हम लोगों का सर इतना मूव करता है तो कहीं ब्रेन को इधर उधर से बाहर से शॉक ना लगे। शॉक का मतलब करंट वाला शॉक नहीं, शॉक का मतलब एक्सटर्नल शॉक, धक्का मुक्की वाला शॉक। क्लियर? उस मैकेनिकल इंजरी से, उस एक्सटर्नल शॉक से ये CSF आपके ब्रेन को बचाता है। और ये CSF प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड प्रेजेंट कहाँ होता है, बिटवीन द कैविटी ऑफ मेनिंजेस, जिसमें क्या भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। क्लियर हुआ? इसके बाद इस ब्रेन को फर्दर तीन और पार्ट्स में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन पार्ट है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, थैलेमस। ठीक है, क्या क्या याद करो, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और थैलेमस। फिर आता है इसका सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन, और फिर आता है इसका थर्ड पार्ट, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन आते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए इसको रब करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग स्टडी करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तीन नाम पढ़ने हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, इसके अलावा थैलेमस। अच्छा एक बात देखिए, चूंकि फोर ब्रेन आपकी ब्रेन का आगे का हिस्सा है, तो बेटू नाक, आंख, इन सब का कनेक्शन उस ब्रेन के पार्ट से होगा। तो कहीं कहीं पर ऑप्टिक लोब भी लिखा हुआ है। ऑप्टिक का मतलब देखने वाला लोब, ऑल्फैक्टरी लोब का मतलब सूंघने वाला लोब। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखिए कंप्राइजेस, तो सेरिब्रम के बारे में आपको इसमें डिफाइन किया गया है, फटाफट देखते हैं। सेरिब्रम एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके ब्रेन के रूफ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए ये आपके मान लीजिए ब्रेन का सेरिब्रम का हिस्सा है। इस ब्रेन के सेरिब्रम के हिस्से को इस तरीके से नर्व फाइबर्स दो पार्ट में बांटती है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इस लेफ्ट और राइट पार्ट को हम लोग राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। क्लियर? और जो ये नर्व ट्रैक, जो ये नर्व फाइबर इसको डिवाइड करता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, हालांकि ये 11th क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन एक अच्छी जानकारी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द कॉर्पस कैलोसम डिवाइड्स द सेरिब्रम इनटू टू मेन पार्ट्स, व्हिच इज कॉल्ड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एज वेल एज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इसके मेन फंक्शन की बात करें तो बच्चों सोचिए जरा, सेरिब्रम, ब्रम, भ्रम, ऐसे करके कुछ किसी भी प्रकार से निमोनिक्स मन में चलाइए। भ्रम कहां पैदा होता है? दिमाग में पैदा होता है, क्योंकि बच्चे लोग सेरिब्रम, सेरिबेलम में कंफ्यूज होते हैं। सेरिबेलम
आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना। तो भ्रम भ्रम से कनेक्टेड है और भ्रम हमको दिमाग में पैदा होता है, ऐसे सोचेंगे ठीक है। तो जितनी भी चीजें दिमागी हैं, दिमाग से होने वाली जितनी भी चीजें होती ना बेटा, वो आपका फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट करता है, जो भ्रम है ना, इस तरीके से इसको याद कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी, डिबेट करना, स्पीच करना, इंटेलिजेंस, उस इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसको यूज करना, ये सारा का सारा काम कौन करवाता है, आपका सेरिब्रम करवाता है। देखिए जैसे कि आपको किसी के सामने अपनी बात रखनी है, डिबेट करना है, आपको अपनी बात किस तरीके से बोलनी है, स्पीच देना है, बुद्धिमानी यानी कि किस तरीके से आप अपनी बुद्धिमत्ता से किसी चीज को इम्प्रेस कर सकते हो, बोलने की क्षमता, सबके सामने एक प्रकार से कैसे बात कर लोगे। कभी कभार हम लोगों को नाराजगी रहती है अगर अपने मम्मी पापा से, एक देखिए एक दोस्तों से नाराजगी में फटे से बोल देते अरे तुम्हारी गलती है ना, और माता पिता के सामने अगर माता पिता आपको डांट रहे होते भले मन में क्रोध का भाव हो लेकिन आप उनसे लड़ाई नहीं करने चलते हो क्योंकि पड़ जाएगा आपको उसी के बाद, समझ में आई बात। तो हमारा दिमाग पता है कि हमको कहां पर किस रिस्पेक्ट में बात करनी है, ये बात समझ में आई। तो ये सारी की सारी जानकारी हम लोग को कौन देता है बच्चे, सेरिब्रम देता है ठीक। सेरिब्रम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, उन एरियाज को आप सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएटेड एरिया के नाम से जानते हो। सेंसरी एरिया, सेंसरी नर्व का नाम आप सुन चुके हो जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, तो सेंसरी एरिया भी स्टिमुलस को रिसीव करता है ठीक। तो रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर, यही आई, नोज, ईयर, स्किन और टंग, वही रिसेप्टर है, उनसे रिसीव करेगा स्टिमुलस। मोटर एरिया क्या है, मोटर एरिया ये इंपल्स को सेंड करता है इफेक्टर के पास, इफेक्टर कौन है बोलते रहा करिए, मसल्स और ग्लैंड्स है ना। और हाँ, अगर मसल्स और ग्लैंड्स मिल गई बच्चे तो ये हमारे शरीर में वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाट इज वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, हमारे हाथ पैर का मूवमेंट, अगर हम आपको हाथ पैर मूव करा के पढ़ा रहे हो तो ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है, खड़े होकर स्टिक पढ़ा रहे हो ये भी हमारा वॉलंटरी एक्शन है, समझ में आया। जैसे हम बोल रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है ठीक। तो किसी के सामने अगर कोई बात गलत निकल जाए फिर बोले मैंने गलती से बोल दी, ये गलती से नहीं होता, ये आपका वॉलंटरी एक्शन होता है, तुरंत आप बोलेंगे भैया हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ वॉलंटरी एक्शन, क्लियर है। तो कौन कंट्रोल करने का काम करता है, मोटर एरिया। वॉलंटरी का हिंदी मतलब समझ लीजिए बच्चों, जो हमारी इच्छा से होता है ठीक है, हमारी इच्छा से हम डांसिंग, जंपिंग, स्टेप बनाना, चलना, कूदना, ये सारा काम हमारा वॉलंटरी है। हाथ पैर का मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट, आपके हाथों और पैरों का जो मूवमेंट होता है इसको आप वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम का मोटर एरिया का पार्ट, क्लियर हुआ बच्चों। एसोसिएटेड एरिया क्या होता है, एसोसिएटेड किसी और रिसेप्टर से मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर से कलेक्ट करता है और उसको स्टोर करने का काम करता है, एक्सपीरियंस को स्टोर हो गया, कैसे कि इन मैम के सामने हमको इस लेवल पर बात करनी है तो हम लोग उसी लेवल पर बात करते हैं, इन मैम के सामने हमको थोड़ा फ्रेंडली नेचर होकर बात करनी है तो वो एक्सपीरियंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर ब्रेन के पार्ट को पढ़ लिया है, आई बात समझ में। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, तो इसको जल्दी से आप लोग 1 2 3 करके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, क्लियर, चलिए ओके। तो अब हमको जो पढ़ाई करनी है वो जो फोर ब्रेन के रेस्ट पार्ट आपकी थे ना, पहला पार्ट आपने क्या पढ़ा, सेरिब्रम, उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद थैलेमस। तो सेरिब्रम की तो स्टडी कर चुके हैं, अब हमको पढ़ना है ऑल्फैक्टरी लोब और थैलेमस के बारे में। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, वो सेंस ऑफ स्मेल देता है, भैया कैसी स्मेल है और आपको रिएक्ट कैसा करना है, अगर कोई अच्छी चीज है तो हाँ उसके पास जाकर हम लोग मजे लेंगे, सुगंध लेंगे उसकी, और अगर कोई गंदी बदबू वाली चीज है तो फिर हम लोग नाक बंद करके वहां से निकल जाएंगे, है ना। तो सेंस ऑफ स्मेल देखिए रिसीव तो रिसेप्टर करेगा, चाहे वो गंदी स्मेल हो और चाहे वो अच्छी स्मेल हो, और वो स्टिमुलस आपके नोज के पास यहाँ पर एपिथीलियम होता है अंदर की तरफ, वो रिसीव जरूर करेगा, लेकिन बेटू वो सेंस ऑफ स्मेल देगा कौन, आपके ब्रेन में, वो भी फोर ब्रेन के में मौजूद कौन सा पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब पार्ट, ये बात समझ में आई। तो आप लोग कम से कम अच्छी महक और गंदी महक में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस पे रिस्पेक्ट में हमको कौन सा रिस्पॉन्स देना है, समझ में आया। फिर आता है थैलेमस, बेटू ये एक प्रकार का रिले स्टेशन है, एक कनेक्शन करने का काम करता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन, मतलब किस इंफॉर्मेशन को लेकर आना है रिसेप्टर के द्वारा और उसको सही सिग्नल तक पहुंचाना। अब पता चला हमको हटाना पैर है, किसी कांटेदार जगह पर पैर पड़ा,
हटाना हमको पैर है, हटा हम हाथ रहे हैं, तो इसका क्या फायदा? इसका मतलब है कि आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो बेटा थैलेमस का मतलब है कि सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन में एक कनेक्शन बनाकर रखना, कि जिस ऑर्गन से सेंसरी इंपल्स आई है उसी ऑर्गन के थ्रू मोटर फंक्शन भी हो पाए। समझ में आई बात? उसके बाद लिखा है बेटा ये थैलेमस होता है, जैसे मान लीजिए एकदम फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, उसी थैलेमस के ऊपर का पार्ट कहलाता है एपिथैलेमस और नीचे का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हाइपोथैलेमस के पास एक स्टॉक से जुड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड तो भाई आपके शरीर में मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट आउट करता है। तुम लोग पढ़ेंगे इसको, मतलब सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ये हाइपोथैलेमस, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आपकी ग्लैंड हो जाएगी। इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में खत्म करेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ थैलेमस, हमको समझ में आ गया कि थैलेमस के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन कभी कभी आ जाते हैं, समझिए हम लोगों को फीलिंग प्रोवाइड कराते हैं, हंगर की, ठीक है, थर्स्ट की, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं। अगर आपको ठंड लग रही है तो उसको बॉडी को शिवर करवा के एक प्रकार की एक्सरसाइज करवाएगा, और एक्सरसाइज करवा के आपके शरीर में गर्मी कॉज होगी, टेम्परेचर मेंटेन हो गया। गर्मी में अगर आप है तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग कॉज कर देगा, और स्वेटिंग जब आप हवा जब चलती है तो स्वेटिंग इवेपोरेट होती है, तो आपको ठंडक का एहसास होता है। टेम्परेचर मैनेज हो गया कि नहीं हो गया, इस तरीके से। इसके अलावा सेक्स ड्राइव है ना, सेक्स ड्राइव मूड, ये सारी की सारी चीजें आपकी कंट्रोल कराने वाला कौन सा पार्ट होता है बेटा, हाइपोथैलेमस। इस बात को याद रखना, इतना ज्यादा डीप टेंथ में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेंगे कि हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है। आपका फोर ब्रेन तो खत्म हो गया, व्हाट इज मिड ब्रेन? बेटा मिड ब्रेन फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। भाई मिड ब्रेन है, बीच का भाग है, आगे के भाग को पीछे के भाग से जोड़ेगा ही तो और क्या काम करेगा। सो इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। इसका काम सुनते हैं, इसका काम होता है कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक को क्या कराता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस। वट इज ऑडिटरी? ऑडियो, ऑडियो कान से सुना जाता है, विजुअल आंखों से देखा जाता है। तो कानों से सुनना और आंखों से देखने के लिए आप आंख और कान का यूज करते हो, स्टिमुलस तो आपके यही रिसीव करेगा। इसके रिस्पेक्ट में जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में आप रिस्पॉन्स वॉलेंट्री देंगे कि नहीं देंगे? कान से सुन रहे हो, अच्छी बात, मतलब जो भी बात है आपको हाँ या फिर ना में मूवमेंट कराना है कि नहीं, तो आपके हेड का मूवमेंट है ना, आंखों का मूवमेंट, जैसे शेप ऑफ लेंस, रोशनी में गए पिपल की साइज, रोशनी में गए साइज कम हो गया, अंधेरे में आए साइज बढ़ गया, ठीक। इसके अलावा कोई चीज पड़ी आप साइड हो गए, ठीक, आपको कोई चीज नाली पड़ी आपको पार करना है, ये सारे के सारे एक्शन जो कंट्रोल होते हैं वो मिड ब्रेन करता है, क्योंकि हम लोग आंखों से देख रहे हैं अच्छा यहाँ नाला है इसको हमको पार करके जाना है। तो ये सब चीजें आपकी हेड का, देखिए लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि आपके हेड का, नेक का और ट्रंक का जो रिस्पॉन्स होता है वो किसके द्वारा क्लियर होता है, तो आपका आंसर होगा ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस। क्लियर हुआ? इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक चीज और बेटू, ज्यादातर चीजें देखिए जब आप रिपीट करके पढ़ते हैं ना, ऑडिटरी विजुअल स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में आपकी चीजें ब्रेन में स्टोर होती हैं। आप देख के पढ़ेंगे है ना, लिपसिंग करके पढ़ेंगे, कान में सुनाई देगी आवाजें, और जो चीजें आप देख रहे होते हैं वो चीजें आपके दिमाग में याद भी होती, वो काम भी मिड ब्रेन कराने का काम करता है। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन सबसे नीचे का पार्ट है। तो बेटू देखो, सबसे नीचे में यहाँ पर इस जगह पर हाइंड ब्रेन होगा, और फिर इसके नीचे इस जगह से आपका शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक में पूरी वर्टिब्रल कॉलम में आपके स्पाइनल कॉर्ड फैला होता है। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम ब्रेन से कौन कर रहा है, तो आपका आंसर होगा हाइंड ब्रेन। इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? इसमें आपके पार्ट होंगे सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। कौन कौन से? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। इसके बाद हम लोग इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, तो फटाफट देखो, जरा जरा से जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फटाफट इसके बाद पढ़ेंगे सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। तो बच्चों अब हमको क्या पढ़ाई करनी है? अब हमको हाइंड ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था ना कंप्लीट कि हाइंड ब्रेन क्या होता है। तो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स में आपको आना है सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला।
बच्चे सेरिबेलम आप देखिए मेन आप काम याद रखेंगे, सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट, सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, पोस्चर मेंटेन करना है, आपको कैसे खड़े होना है, आप चलते चलते गिर तो नहीं जा रहे हो, इस बात को ध्यान देना है। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, बैलेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड अदर वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, कैचिंग बॉल को पकड़ना, ठीक है, जंपिंग कूदना और फिर अपनी डांसिंग, ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं और उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। तो इसमें एक साथ में आप जान लीजिए इसको वॉलंटरी एक्शन करते हैं ना, अभी समझा चुके हैं, चलना कूदना डांस करना कैच करना, ये सारे के सारे काम आपके वॉलंटरी एक्शन है। देखो बच्चों हाथ पैर और इस ट्रंक के द्वारा जो काम होगा वो सब वॉलंटरी एक्शन है, समझ में आ रही है बात। और बॉडी के अंदर जो सिस्टम के द्वारा काम होता है जैसे खाना पचना सांस लेना यूरिनेशन करना, ये सारे के सारे काम इनवॉलंटरी होते हैं। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के बीच में ध्यान रखेंगे, वॉलंटरी का मतलब हमारी इच्छा से जो काम हो, इनवॉलंटरी का मतलब जिसमें हमारी इच्छा ना हो और काम होता रहे। जैसे अगर आप चाहोगे कि ए हार्ट तुम आज मत धड़कना, पॉसिबल है, वो तो इनवॉलंटरी है बच्चे, तुम नहीं भी चाहोगे वो तब भी धड़केगा। हमने आज जम के खाना खा लिया, ठीक, अब दो दिन तक मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं है, तुम डाइजेस्ट मत होना, पॉसिबल है, तुरंत भूख लग जाती है, आप जहां एक नैप मार के उठते हो तुरंत नींद खुलती है और भूख, चलो भाई कुछ और खाया जाए। तो ये सब काम इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी आपके हाथ पैर जो मूव कर रहे हैं इनको हम लोग वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो सेरिबेलम आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है और मेन बच्चे ये आपके बॉडी को बैलेंसिंग में मदद करता है। पॉन्स आता है, देखिए पॉन्स और मेडुला ये दोनों ही इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पॉन्स मेनली बच्चे रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है और मेडुला मेनली वॉमिटिंग सेंटर कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक। तो पॉन्स इज मेनली टेक्स इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला देखिए सलाइवेशन, मुंह में सलाइवा का आना, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शन है, आप खा लेते हो लेकिन अगर आपको इनडाइजेशन है तो इनडाइजेशन में वो फिर मुख के द्वारा बाहर आता है, दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। तो मेडुला कंट्रोल करता है इसको, ये भी एक प्रकार, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, देखिए ये इनवॉलंटरी एक्शन है। वॉमिटिंग क्या आप चाह के करते हो क्या? नहीं बेटू जी, इनवॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत आता है, यानी कि पॉन्स एंड मेडुला बोथ टेक्स इंपॉर्टेंट रोल इन इनवॉलंटरी फंक्शन, वेयर एज सेरिब्रम टेक्स इंपॉर्टेंट रोल इन वॉलंटरी एक्शन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट तो खत्म हो गया। सीएनएस को मेन कितने पार्ट में पढ़ा था हम लोगों ने? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का कॉन्सेप्ट खत्म, जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड खत्म करते हैं, हम लोगों का सीएनएस हो जाएगा कंप्लीट और फिर बचेगा पीएनएस। स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड इस जगह पे पीछे से देखिए, तो हम लोग इस ब्रेन के यहाँ पर नीचे से शुरू होकर इस वर्टिब्रल कॉलम के एंड पार्ट तक यहाँ पर खत्म होने का काम होता है। हम लोगों को पता है, हम लोग जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, मम्मी के पेट में होते हैं, तो बच्चे हमारे अंदर 33 वर्टिब्री होती है, लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो 33 वर्टिब्री फ्यूज होकर एक दूसरे में केवल 31 पेयर बसती है। तो जितने वर्टिब्रल कॉलम, जितने मान लो इस तरीके की वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक, तो एक पेयर यहां से राइज हुआ, फिर मान लो इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है मान लो, फिर यहां से दूसरा पेयर राइज हुआ। तो इस तरीके से आपके पूरे शरीर में 31 पेयर, 31 वर्टिब्रल कॉलम है, तो उस 31 वर्टिब्रल कॉलम से 31 पेयर एक तरफ इधर करके 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। बात समझ में आई? 31 डिफरेंट वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनी हुई पूरी वर्टिब्रल कॉलम होती है, उस वर्टिब्रल कॉलम के पूरे अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है और उस स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व स्पाइनल नर्व होती है, जिनकी संख्या ह्यूमन में कितनी है? 31 पेयर, ठीक। इसका काम क्या होता है बिट्टू जी? इसका काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से नर्व कंडक्शन को लाना और ब्रेन को नर्व कंडक्शन पहुंचाना। मतलब अगर आपका हाथ गर्म जगह पर पहुंचा तो स्पाइनल नर्व उसको ब्रेन तक पहुंचाएगी, हम लोग समझेंगे और अपना हाथ हटाएंगे। तो टू एंड फ्रॉम द ब्रेन नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? स्पाइनल नर्व। देखो मेन आपकी बॉडी स्पाइनल नर्व के द्वारा ही मैनेज होती है। तो इस तरीके से बच्चों आपका सीएनएस का पूरा पार्ट खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जिस वीडियो में मिलेंगे उस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट पीएनएस। पीएनएस को कितने पार्ट में बांटा गया था? पीएनएस को दो पार्ट में बांटा गया था। कौन कौन सा पार्ट?
पीएनएस में आता है आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसकी स्टडी हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पढ़ते रहिए बच्चों मन लगाकर। सीएनएस होता है आज खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद पीएनएस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।